नमस्ते, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं दिल अलर्ट टॉप। आम आदमी पार्टी की लहर में दिल्ली में सीलमपुर की सीट एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के खाते में गई। आखिरी अपडेट मिलने तक आम आदमी पार्टी 62 जबकि बीजेपी 8 सीटों पर जीतती दिखी, लेकिन इनमें एक सीट ऐसी भी रही जिस पर सभी की नजरें थी। इस सीट का नाम है सीलमपुर। इस सीट के नतीजे भी हैरान करने वाले रहे। सीलमपुर सीट से जो प्रत्याशी मैदान में थे उनमें अब्दुल रहमान आम आदमी पार्टी से, कौशल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से और चौधरी मतीन अहमद कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार रहे। चुनाव के नतीजों में सीलमपुर सीट से आम आदमी पार्टी के अब्दुल रहमान ने बीजेपी के कौशल मिश्रा को 27,887 वोटों से हरा दिया। अब्दुल रहमान को 72,611 वोट मिले जबकि कौशल मिश्रा को 35,619 वोट ही मिल सके। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी मतीन को 20,247 वोट मिले। सीलमपुर विधानसभा सीट जमुना पार की वो विधानसभा सीट है जिस पर सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखे गए। इस सीट पर ही सीए के विरोध के दौरान हिंसा भी बढ़ गई थी। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का सीलमपुर एक मिलीजुली आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर बहुतायात है जो कि किसी भी कैंडिडेट की हार जीत का फैसला करते हैं। 1993 से लेकर 2015 तक इस सीट पर सिर्फ एक ही नेता का दबदबा रहा, नाम है चौधरी मतीन अहमद। साल 1993 में जनता दल के टिकट पर चौधरी मतीन पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए। इसके बाद उन्होंने पीछे पलट नहीं देखा। साल 1998 में वो निर्दलीय जीते। इसके बाद 2003, 2008 और 2013 में वो कांग्रेस के टिकट पर तीन बार चुनकर आए, लेकिन इस बार चौधरी मतीन अहमद इस सीट से तीसरे स्थान पर रहे। दिल्ली में ऐसी बहुत ही कम विधायक रहे जिन्होंने लगातार 5 बार एक ही सीट से जीत का स्वाद चखा हो, लेकिन अब लगातार दूसरी बार मतीन जी को हार देखनी पड़ी। साल 2015 में आम आदमी पार्टी की आंधी में चौधरी मतीन का अजय किला भी ढह गया था। 2015 में आपके हाजी इशराक खान ने चौधरी मतीन को हरा दिया था, लेकिन साल 2020 में फिर से कांग्रेस ने उन पर दाव खेला जबकि आम आदमी पार्टी ने हाजी इशराक का टिकट काट दिया। उनकी जगह युवा नेता अब्दुल रहमान को टिकट दिया गया। वहीं सीट पर हिंदू वोटर पर नज़र बनाए बैठी बीजेपी ने 2013 के अपने उम्मीदवार कौशल मिश्रा को फिर से टिकट दिया था। सीलमपुर विधानसभा में सीलमपुर, जाफराबाद, चौहानबागर, शास्त्री पार्क, ब्रह्मपुरी, गौतमपुरी और पुश्ता रोड के भी कई इलाके आते हैं। इस इलाके में रिहायश के अलावा बड़ी संख्या में फैक्ट्रियाँ भी हैं। सीलमपुर और जाफराबाद एक बड़ी मार्केट भी है जहाँ पर जैकेट से लेकर जीन्स, कूलर, पतंग, धागे और अगरबत्ती का कारोबार होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इसे YouTube पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। कैमरा पर्सन राशिद के साथ मैं हूं विपिन, शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही Google Play Store पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।